कैपिटल में नॉन करंट लाइबिलिटी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बात समझ में आती? 22 में देखे भाई क्या कहता है, 22 22 में कहता है जी, राशिद रन्स एन एड एजेंसी, ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हाउ मच शुड बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट। एड एजेंसी, अब देखें राशिद के लिए जो एड एजेंसी, उससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो इनकम होगा, तो इसमें हम इनकम अकाउंट बनाएंगे, याद है एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट, तो इनकम हमारे लिए अप्पा अकाउंट बनता है, याद है अक्रूड प्रीपेड प्रीपेड अक्रूड। ये क्वेश्चन पेपर पे आप एग्जाम में जो है वो खराब कर सकता है क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि ये पेपर श्रेड कर दिए जाते हैं, ये चेक नहीं होते क्वेश्चन पेपर। सही है जी, जब हमारे पास पैसे आएंगे क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट और एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट क्रेडिट। ये वैसे ही है जैसे आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं या रेंट रिसीव अकाउंट बनाते हैं, ईयर एंड पे जितना बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट। तो क्या एंट्री बनाए, पहले देखें भाई अमाउंट ओड बाई क्लाइंट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो ओड हमारे लिए अक्रूड होगा, तो ओपनिंग अक्रूड कितना है 100, अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स कितना है 10,000, तो ये बैंक आ जाएगा, क्लाइंट से कितना पैसा है इस साल 10,000। अमाउंट प्रीपेड बाय क्लाइंट्स एट एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड कितना है हमारे पास 300, प्रीपेड बाय क्लाइंट्स एंड ऑफ द ईयर 300। और उसके बाद 22 का ए बता रहे, ए बिल्कुल सही है। और अगर आप देखें इसको बैलेंस कर लें, और बैलेंस करके हमें जो है वो निकालना है ये वाली वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंस, 10,000 में से 400 माइनस कर लें तो ये क्या आ जाएगा भाई, 9,600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 9,600। बात समझ में आती, 9,600। क्लियर है भाई यहां तक? ये हो गया आपका 22, तो 22 का आंसर बन गया ए।